और हमारे यार छोटे से लड़का है तो कमाल ही कर दिया। बढ़िया, वाह भाई वाह। मैं आपके स्वागत में कहूंगा, इसे स्वागत छंद कहते हैं, इसका नाम स्वागत छंद है, जिसमें रगन और लगन और भगन और दो गुरु होते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। इससे एक चौपाई भी बन जाती है, मान लो इतने 16 मात्रा का ये होता है और 16 मात्रा का स्वागत छंद होता है। धान धान सुब दर्शन हो पाए, देख देख मन मोद मनाए, स्वागत कथि महावली गाए, लो प्रणाम पद शीश झुकाए। अब एक दूसरा छंद सुनाने जा रहा हूं जो स्वस्थ स्त्रीवाणी छंद है, जिसमें चार रगन होते हैं, मगर उसमें खास बात यह है कि वो रात में ही गाया जाता है, दिन में नहीं गाया जाता। बढ़िया टाइम है, बहुत बढ़िया, अच्छा टाइम है, बढ़िया बढ़िया, अनुकूल टाइम है। नहीं ज्यादा दर्द नहीं कहना चाहते हैं कि गोष्ठियों में नहीं सुनाया जाता, कभी सब राज्य में सुनाया जाता है। बिल्कुल अनुकूल समय चांदनी का, और ये अधर्मी है, इसमें होश से होश भी नहीं लगते। चांदनी जो लखी हारी श्रृंगार ने ये खिलाई कली थी नई दार ने, क्या बात है, ये खिलाई कली थी नई दार ने, रात्रि का ये अलंकार जाना सही, अर्क गंगा चढ़े गान गाना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह जी बहुत सुंदर। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सब ये कहते हैं कि एक तारीख 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा बना, इसमें भी लिख रखी है स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। क्या हरियाणा अभी बना है, पहले नहीं था? मैं बताने जा रहा हूँ, तो पहले भी हरियाणा था जी। स्वागत, रहा हमेशा इस धरती पर हर का आना जाना, ये प्रांत मेरा हरियाणा। बढ़िया 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 बढ़िया, सत्य सभ्यता सच्चाई यहाँ दूध दही का खाना, ये प्रांत मेरा हरियाणा। वाह वाह वाह, ये प्रांत मेरा हरियाणा। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर सब यही रहे थे, ब्रह्मा के बेटों ने अपना प्यारा देश बसाया, ब्रह्मावर्त स्वर्ग धरती पर ऋषियों ने बतलाया, ये ऋषियों ने बतलाया, सर्व सुख संपन्न यहाँ पर ऋषि मुनियों ने माना, ये प्रांत मेरा हरियाणा। बहुत बढ़िया, ये प्रांत मेरा हरियाणा। जब ब्रह्मा के बेटों ने बसाया था, इसका नाम था ब्रह्मावर्त, लिखा मिल जाएगा दूसरे नंबर में। यहाँ पर महाराजा कुरु हुए, उन्होंने सोने का हल बनवा करके और धर्म की खेती करनी चाहिए, फिर देवता इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ऐसे धर्म की खेती नहीं होगी, दूसरे तरह से होगी, यहाँ पर उपनिषद वगैरह वेद शास्त्रों को रचना की जाए और यहाँ से उन्होंने उस ज्ञान को वितरित किया जाए, इस तरह से होगी। क्या बात है, हल लेकर महाराज कुरु ने बीज
धर्म का बोया वेद शास्त्र उपनिषदों से सारा वतन संजोया मेरा सारा वतन संजोया काम यही था सारे विश्व को वेद ज्ञान सिखलाना ये काम मेरा बहुत बढ़िया बहुत ये काम मेरा भैया बहुत सुंदर अब तक ब्रह्मावर्त रहा और अब इस धरती पर श्री कृष्ण ने अपना यान चलाया यान कहते गाड़ी को उसने अपना रथ चलाया है यान या हरि का आना हरियाणा या अपना हरि का यान चलाना इसलिए हरियाणा श्री कृष्ण ने इस धरती पर अपना यान चलाया कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया गीता का ज्ञान सुनाया गीता का ये ज्ञान सर्वप्रिय माने सभी जमाना ये प्राण मेरा हरियाणा ये प्राण मेरा हरियाणा चौथे पांचवें नंबर और अब इस धरती पर चौपर फाको हरी भरी हरियाली हर बच्चे बच्चे के दिल में रहती है खुशहाली गंगा लाल मढ़ना के वाला लिखता है जहां बढ़िया वाह भाई ये प्राण मेरा हरियाणा और मैं दो शब्द और कहना चाहता हूँ मैं आपको सभी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सर्व सुख संपन्न करे सर्व सुख जब होते हैं जब मनुष्य के जीवन में आठ सुख आ जाते हैं वो आठ सुख एक चरण में एक सुख होगा मैं आठ चरण कविताएं भी आपके सामने कहूंगा और इसमें पहला अक्षर लेते जाइए और कवि का नाम और गोत्र निकल आएगा वाह 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 गंगा राम महाबली पहले गंग फिर गंगा फिर लाल फिर गंगा और ये मत्स्य सवैया है सोलह सोलह मात्राओं से बत्तीस मात्रा गंगा का जल सा निर्मल हो गंगा का जल सा निर्मल हो और निरोग हो जिसकी काया काया पहला सुख प्रथम चरण दूजा सुख हो घर में माया लाता है तीजा सुख मानो जिस घर पतवरता नारी हो लेना है चौथा सुख उसको जिसका सुख आज्ञाकारी हो महिमा है जिसमें विद्या की ये पंचम सुख बतलाते हैं हाजिर है छेमा सुख उसको जो नर सुमित्र को पाते हैं कमाल कर दिया बतलाते सुख साथ माये जब मनुज राज अधिकारी हो लीजा अब मान आठवा सुख जब मान सभा में भारी हो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी को सर्व सुख संपन्न